हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आर्डुइनो में बेसिक लेवल का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में सिंपल सा बेसिक सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिसमें LED ब्लिंक होगा। तो प्रोग्राम हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर में लिखना होगा इंट के बाद हमें स्पेस देना है। उसके बाद जो भी पिन LED के लिए हम सेलेक्ट करेंगे उसका नाम देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LED। उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन देंगे। उसके बाद हम कोई सा भी डिजिटल पिन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सेमी कोलोन से इसको टर्मिनेट कर देंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे वाइड सेटअप। इसे लिखने के बाद हम इसे स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। फिर उसके नीचे हमें एक स्टेप नीचे आकर कर्ली ब्रैकेट देना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे पिन मोड, मतलब कि हमने जो भी LED पिन सेलेक्ट किया था वो इनपुट रहेगा या आउटपुट रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पिन मोड। पिन नेम देंगे LED जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। उसके बाद लिखेंगे आउटपुट, ये सब कैपिटल लेटर में होगा। उसके बाद इसे टर्मिनेट कर देंगे। अब उसके नीचे आएंगे। अब इसमें हमें मेन काम करना है, वाइड लूप। ये लूप में क्या होगा, मतलब कि आपने जो भी प्रोग्राम बनाया ये रिटर्न, मतलब रिपीट होता रहेगा। ये इसे भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसमें लिखना है डिजिटल राइट। अब जो है हम इसमें जो भी लिखने वाले हैं वो LED पर आउटपुट शो करेगा। इसमें हम लिख रहे हैं डिजिटल राइट। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे LED नेम, पिन नेम, जो भी LED हमने लिया था उसे हाई कराएंगे, मतलब कि वो हाई होगा। इस ब्रैकेट देकर बंद करेंगे और टर्मिनेट कर देंगे। अब उसके नीचे लिखेंगे डिले, मतलब कि ये कितना देर के लिए डिले होगा। तो मैं यहाँ 200 मिलीसेकंड ले रहा हूँ। इसको भी टर्मिनेट करना है ब्रैकेट क्लोज करके। अब फिर एक स्टेप नीचे आने के बाद फिर से डिजिटल राइट LED, उसके बाद लो लिखेंगे, क्योंकि एक बार हाई हो गया तो दूसरी बार फिर एक स्टेप में लो भी होना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में LED ब्लिंक का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसे भी उसी प्रकार हम टर्मिनेट करेंगे और उसके बाद फिर डिले 300 मिलीसेकंड कर देंगे। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करा कर देखते हैं। यहाँ मैंने एक ग्रीन कलर का LED लिया है, उसके प्लस वायर को मैं Arduino के 3 पिन से कनेक्ट करूँगा और माइनस वायर को ग्राउंड से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि LED ब्लिंक हो रहा है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है यहाँ पे। तो अब चलिए यहाँ थोड़ा सा इसके टाइमिंग को चेंज करके देखते हैं। यहाँ मैं 1 सेकंड के लिए डिले करूँगा, यानी 1 सेकंड के लिए ऑफ और 1 सेकंड के लिए ऑन। तो अब चलिए इसे रन करते हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है।